कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़ ने इस मामले को लेकर पंजाब की कानून व्यवस्था पर चिंता जताई और आज इस पूरे मामले पर कांग्रेस चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपने जा रही है। फजिलका सब जेल में हत्या के आरोपी शिवलाल डोडा से 24 लोगों की मुलाकात को लेकर पंजाब कांग्रेस गर्म है। अबोहर से पार्टी के विधायक सुनील जाखड़ ने इस बाबत चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है। अकाली बीजेपी सरकार नु बर्खास्त किया जाए, त्या जड़ा इलेक्शन है हुन कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान भी प्रेसिडेंट रूल लाया जाए, अदरवाइज कोड ऑफ कंडक्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगन के बाद जेल के अंदर इस तरह बैठ के मीटिंगा साजिश की जा रही है, वो बिना हाईएस्ट लेवल जो गवर्नमेंट के पैटर्न के बिना नहीं की जा सकती। जाखड़ ने बताया कि नाभा जेल ब्रेक केस के महीने भर बाद भी इस तरह का वाकया राज्य सरकार की कारगुजारियों को बयां करता है। अकाली सरकार दी जिहड़ी मंशा है बिल्कुल क्लीयर होगी, किस तरह कांग्रेस पार्टी का चार्ज रहा भी इन्होंने जानबूझ के जिहड़े अपने गुंडियां दी फौज पाल रखी है जेलां च बैठे, उत्थों उन्हां दा व्यापार चली जांदा है, टेररिज्म दा काम चली जांदा है। नाभा जेल ब्रेक तो अजे एक महीना हफ्ता ही होया पूरा, तो उहदे बाद इस किस्म दे एक पूरी दी पूरी जिहड़ी इन्हां दी अकाली दल दी पूरी बॉडी है बोर दी, वह सारी अंदर बैठ के पंजाब दे माहौल नूं बिगाड़न वास्ते, इलेक्शनां दे माहौल नूं बिगाड़न वास्ते जो उत्थे प्लानिंग कर रही सी, जो साजिश रची जा रही सी, वह सारी खुल के सामने आ गई। पंजाब कांग्रेस इससे पहले भी सूबे की कानून व्यवस्था का मुद्दा उछालती रही है, हालांकि प्रदेश सरकार का दावा है कि सब कुछ कंट्रोल में है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली।